दिल्ली मेट्रो में बेहद छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनने के कारण एक लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हालत यह है कि #दिल्लीमेट्रो 2 दिन से ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। यही नहीं, दिल्ली मेट्रो गर्ल्स नाम से तमाम मीम्स बन रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। उस लड़की की फोटो और वीडियो तमाम लोग शेयर कर रहे हैं। कोई इनके कपड़ों और बोल्ड अंदाज की तारीफ कर रहा है तो कोई जमकर आलोचना कर रहा है। आलम यह है कि दिल्ली मेट्रो के कुछ पुराने वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में आ गए हैं। हालांकि इस वीडियो और फोटो के वायरल होने के बाद तमाम लोग ये चर्चा करने में भी लगे रहे कि आखिर ये लड़की है कौन। काफी चर्चा के बाद अब इस लड़की की पहचान भी सामने आ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस लड़की का नाम रिदम चन्ना है और उम्र 19 साल है। यह खुद को मॉडल और एक्टर बताती हैं। यह दिल्ली में एक एक्टिंग कोर्स भी कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की रहने वाली हैं। इनका बाकायदा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें ऐसे ही कपड़ों में तमाम वीडियो हैं जैसे दिल्ली मेट्रो में रिदम ने पहने थे। रिदम ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में दावा भी किया कि हाँ, दिल्ली मेट्रो में वायरल होने वाली लड़की वही है। रिदम ने बताया कि वो पारंपरिक परिवार से आती हैं, लेकिन अपने खुले विचारों की वजह से उनकी अपने परिवार से ज्यादा नहीं बनती। सोशल मीडिया पर उनकी तुलना उर्फी जावेद से हुई, लेकिन रिदम का कहना है कि वो उर्फी जावेद से प्रभावित नहीं है। वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनने में यकीन रखती हैं। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जो तस्वीरें वायरल हैं वो उन्हीं की हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो में बिंदास पोज में अपनी तस्वीरें डालने का उन्हें शौक है, इसलिए अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि शुरू में वो इंस्टाग्राम पर तमाम पारंपरिक पोशाक में फोटो डालती थी। बाद में उन्होंने एक बोल्ड फोटो डाला, जिसके बाद इसी तरह के फोटो और वीडियो डालने लगी। उन्होंने अपना पहला बोल्ड फोटो पिछले साल 9 अक्टूबर को डाला था। इसके बाद इसी तरह के फोटो और वीडियो की बाढ़ आ गई। अब सार्वजनिक स्थानों पर भी वह बोल्ड लुक में घूमने लगी हैं। रिदम ने कहा कि उन्हें पिंक लाइन मेट्रो को छोड़कर कहीं भी अपने कपड़ों की वजह से दिक्कत नहीं आई। वह एक्टिंग स्कूल में कोर्स कर रही हैं और उनका दावा है कि वह एक दिन सफल एक्टर और मॉडल बनेंगी। अब पहचान सामने आने के बाद रिदम के लिए किस तरह के रिएक्शन आते हैं, उनके परिवार की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, जब वीडियो वायरल होने से उन्हें अपने करियर में किसी तरह की मदद मिलती है या समस्या आती है, ये सब तो वक्त बताएगा। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के कपड़े पहनना सही है या गलत, ये बहस सोशल मीडिया पर अभी भी जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।